दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रॉड का माइक है NT2A अपडेट वर्जन है, तो मैंने सोचा आज अपने स्टूडियो के लेकर लिए लेकर आए हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टेड बनाया जाए, यानी कि अगर आप NT2 माइक लेने जाने वाले हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो पर और दिखाते हैं कि इस बॉक्स में है क्या। यानी रॉड का NT2 माइक है, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है मार्केट में, लोग ज़्यादातर इस टाइम खरीद रहे हैं, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू किया जाए और दिखाया जाए क्या क्या है इस बॉक्स में। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक पहुँचे और सभी लोगों तक पहुँचे। आइए अनबॉक्स करते हैं एक एक करके। दोस्तों इसमें कई लेयर होते हैं, इसका जो गत्ता होता है ना बड़ा मजबूत और बड़ा अच्छा होता है। कई लेयर बनाए होते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट लेयर अभी इसका खोला था, इसको अनलॉक किया था, जैसे एक लेयर मैंने ये निकाल दिया। एक लेयर निकालने के बाद ऐसा मतलब ये निकल गया। इनका गत्ता बड़ा सॉलिड होता है, जैसे ये टोटल मुझे लगता है पैसे गत्ते का ही पैसा लेते हैं। फिर ये देखिए इस तरह का होता है इसमें, और जो बाहर लगा होता है जिस टाइप से उसी टाइप से इस पर अंदर भी वही सब चीज़ें होती हैं। फिर अब इसको हम करते हैं अनबॉक्स, निकालते हैं एक एक करके क्योंकि स्टूडियो में लगाना है, स्टूडियो में थोड़ा लेट हो रहा है, सिंगर बैठे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। NT1 लगा रखा था तो थोड़ा एक प्रॉब्लम था उसमें, रिकॉर्डिंग होते होते बैठ जाता था, उसका साउंड ख़त्म हो जाता था, तो मैंने सोचा इसी को ले लिया जाए। बॉक्स को ओपन किए हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले दोस्तों एक मुझे बॉक्स और मिला, ये खाली बॉक्स, इसको मतलब थोड़ा हिले ना, और बॉक्स को बड़ा करने के लिए इसको लगा देते हैं साइड में। गत्ता, गत्ते का ही पेमेंट है मान के चलिएगा। चलो मैंने इसको दो निकाल दिया और देखते हैं और क्या है इसके साथ में। है रॉड का कुछ इंट्रोडक्शन है इसमें, कुछ सेटअप, कुछ आवाज़, मतलब बताया गया है सब कुछ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इसको तो मैं बाद में देख लूँगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक और गत्ता, छोटा सा गत्ता है, इसमें देखता हूँ क्या है। सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ, फटाफट ओपन करता हूँ, फटाफट आप लोगों को रिव्यू देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन एक हेल्प आप लोगों को करना ही पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसमें निकला माउंट, ये जो है ईयर, वाह बड़े स्वाइलिट है, अच्छा है। अरे वाह, पूरा सेटअप ही सब इसका स्पाइडर, ये स्पाइडर का बॉक्स था, हैवी है, ओजन है, देखने में ठीक ठाक है। और इसके साथ में ईयर फिल्टर, जो मतलब गाते टाइम पे सांस लेने में दिक्कत ना हो, सांस ना कवर करे, बचाए, ये है इस बॉक्स में। और देखते हैं क्या है, और भी कुछ तो नहीं है, बॉक्स खाली है। बाकी मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, देखता हूँ माइक किधर है। माइक को भाई निकालें, थोड़ा समय दीजिए, इसको पैक कर दिया फिर से। आप भी चलिए अंदर कुछ टाइम के लिए, एक जो पहला बॉक्स था उसमें ये था, देखते हैं माइक किधर है। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं, रॉड का छोटा सा कुछ है, लव योर ब्लेस रिसीव्स हियर विद द माइक, ये कोई इसमें कुछ होगा, चिट है छोटी सी। तो चलो ये हो गया, बाकी अब हम आपको दिखाते हैं माइक। दो गत्ते हैं, एक और है, देखता हूँ इसमें क्या है और इसमें क्या है। मुझे लगता है माइक इसी में है, इसमें जो है देखते हैं। पहले इसको ओपन करते हैं, फटाफट ओपन करते हैं। अरे वाह, इसमें तो वायर है, इसका जो केबल होता है, केबल दिया गया है इसमें। और बॉक्स सब हो गए खाली, इसको इधर पैक करते हैं, साइड में करते हैं। अब नंबर है आप लोगों के बीच में लेकर आने का माइक का। इसका एक कवर मिला सबसे ऊपर, यानी मुझे लगता है ये ढकने के लिए है, काम ना हो, रिकॉर्डिंग ना हो तो बंद कर दिया जाए। और देखते हैं क्या है भाई, क्या है इसके अंदर, आ जा निकल के जल्दी से। सॉरी, ये निकला भैया रॉड का आपका NT2 ये माइक। वाओ, अभी हम इसको स्टूडियो में भी फिट करेंगे, स्टूडियो में सेटअप करने के बाद इसका वॉइस भी आपको सुनाएंगे, आप बने रहिए जो है वीडियो पर।
तो दोस्तों मैंने टोटल रिव्यू कर दिया है, इसको ओपन बॉक्स ओपन कर दिया है, लेकिन इसका मैं सेटअप भी दिखाऊंगा स्टूडियो में कैसे सेट करते हैं और क्या वॉइस है, कैसा रिकॉर्डिंग होगा, सब कुछ एक एक करके दिखाऊंगा, आप बने रहिए। ले चलते हैं सेटअप को स्टूडियो में। दोस्तों ये है मेरा स्टूडियो का सेटअप और वैसे मैंने केबल जो है लगा दिया हूँ अंदर। अब लगेगा यहाँ मेरा फोकसराइट का साउंड कार्ड है, बाकी सेट कर दिया हूँ इसमें। करीब से दिखाता हूँ एक एक करके। पूरा सेटअप मैंने अभी तुरंत किया हूँ, इसका माउंट वगैरह सब। वॉइस क्वालिटी भी दिखाता हूँ थोड़ी देर।